प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को पराजित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने को कहा। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में किसानों से यूरिया की खपत कम करने को कहा। आज संविधान दिवस है। राष्ट्रपति ने कहा संविधान को जन सामान्य के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने जींद में और जाट नेता यशपाल मलिक ने जसिया में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। और राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने करनाल में गीता प्रेरणा महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें 51,000 लोगों ने गीता के 18 श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया। नमस्कार और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पराजित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर उसे तबाह करने का प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद का सफाया करने के लिए न केवल भारत बल्कि सभी मानवतावादी शक्तियों को अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मुंबई आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। बात आज विश्व के हर भूभाग में और एक प्रकार से प्रतिदिन होने वाली घटना का एक अति भयंकर रूप बन गई है। हम भारत में तो गत 40 वर्ष से आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेल रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना। आज संविधान दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता का भाव हमारे संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि संविधान निर्माताओं की सोच के अनुसार नए भारत का निर्माण करें। दिन संविधान सभा के सदस्यों के स्मरण करने का दिन है। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 3 वर्षों तक परिश्रम किया। इसी संविधान के प्रकाश में संविधान निर्माता उन महापुरुषों के विचारों के प्रकाश में नया भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है। यह हर नागरिक गरीब हो या दलित, पिछड़ा हो या वंचित, आदिवासी, महिला, सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। प्रधानमंत्री ने किसानों से वर्ष 2022 तक यूरिया की खपत कम करके आधी करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी धरती माँ की सेहत सुधर जाएगी और उपज में वृद्धि होने लगेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे इस वर्ष के अपने सकारात्मक अनुभवों को नरेंद्र मोदी ऐप अथवा MyGov पोर्टल पर #PositiveIndia से साझा कर सकते हैं। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान स्वीकार किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसके साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। वर्ष 2015 से सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय संविधान स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील संविधान है। वे संविधान दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान को जन सामान्य के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सांसद राजकुमार सैनी ने जींद के हुडा मैदान में और जाट नेता यशपाल मलिक ने रोहतक के जसिया में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। सांसद सैनी जाट आरक्षण आंदोलन का विरोध करते रहे हैं और आज की जसिया रैली को देखते हुए ही उन्होंने जींद में रैली की। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दलित एवं पिछड़े समाज को एक मंच पर आने की जरूरत है। श्री कुशवाहा ने कहा कि इस वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की आवश्यकता है।
समझने का काम करेगा। रैली के आयोजक एवं भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने अपने भाषण में ज्योतिबा फूले के समाज हित में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने नई पार्टी के गठन के लिए 31 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया। सपूतों ने देश को आजाद किया, उन सपूतों को याद करना भी हमारा परम धर्म है। महारानी लक्ष्मीबाई, हमारे सरदार पटेल के साथ साथ हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह कंबोज, अपना सब कुछ सर्वसर निछावर कर दिया। ऐसे ऐसे सपूत इस धरती पर हुए। महाराणा प्रताप ने भीख के अंदर राज लेना मना कर दिया था, घास की रोटियां खानी पसंद कर ली थी। ऐसे ऐसे रणबांकरों की वजह से यह देश आजाद हुआ। दोस्तों, जाट नेता यशपाल मलिक की अगुवाई में आज रोहतक के जसिया में रैली का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला शामिल हुए। जाट नेताओं ने जाटों को केंद्र की ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग की। दीनबंधु छोटूराम प्रतियोगिता परीक्षा एवं कौशल विकास संस्थान की आधारशिला के लिए रखी गई रैली में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने जाट समाज के लिए आरक्षण की वकालत की। उन्होंने कहा कि गुर्जर और यादवों की तर्ज पर जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इन जातियों में कोई भी अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कौम की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहेंगे। रैली में यशपाल मलिक ने ऐलान किया कि 3 दिसंबर को जाट आरक्षण आंदोलन की रणनीति तय होगी। तो आज के भूमि पूजन का शिलान्यास का प्रस्ताव था, दूसरा इसका जो प्रथम चरण का निर्माण कार्य है, जिसमें कार्यालय का निर्माण सबसे पहले होगा, वो अगले संडे आप सब आमंत्रित है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, कार्यालय का निर्माण और जो पूरी मेन बिल्डिंग का निर्माण कार्य है हॉस्टलों का, वो बसंत पंचमी जो 2018 में आएगी लगभग 20 जनवरी के आसपास, उसमें वो प्रस्ताव पास किया कि उस पर हम मुख्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उन समझौतों पर सरकार दिसंबर तक कार्रवाई करे, अन्यथा जाट समाज आंदोलन करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैलियों पर कहा है कि रैली करना सबका अधिकार है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और अपने मन में भाईचारे व देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। रैली तो करना सबका अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से कई दफा हुआ है और सरकार जो है उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो मेरा सभी से, सब अपराधियों से ये निवेदन है कि रैली जाएं, शांति प्रिय रहें, आपस में कोई विवाद पैदा ना करें। रैलियों के कारण प्रदेश के 13 जिलों में 24 नवंबर से इंटरनेट सेवा बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि इसके कारण वे न तो पैसों का लेन देन कर पा रहे हैं और ना ही ईमेल आदि कर पा रहे हैं। परेशानी यही है कि जो हमारे सोशल मीडिया पे जो काम है, जैसे मेल वगैरह करनी है या फिर पैसों का लेन देन है, नेटवर्किंग, नेट सुविधा सारी बंद होने के कारण वो नहीं कर पा रहे। किसी के पास पैसा भेजना है या फिर कुछ भी है, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। आम आदमी को सारी परेशानी होती है, नेट बैंकिंग नहीं होती, कनेक्टिविटी कहीं होती नहीं, ना नेट चलते, ना कोई ऑफिस के काम होते, ठीक है, ना कोई बैंक में लेन देन होते, सभी प्रकार की परेशानी होती है। समाचारों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। सही नहीं है ये, अभी भी खुले में शौच गलत है। गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी, जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शेर शेर
शेर आया, शेर, 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 शेर सुन लिया, अब शायरी सुनिए, न झाड़ी के पीछे, न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया जाएगा और इसे श्री कृष्ण सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में श्री कृष्ण सर्किट परियोजना के तहत प्राचीन वट वृक्ष परिक्रमा पथ विस्तारीकरण कार्य और ज्योतिसर में 10 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप प्रतिमा योजना का शिलान्यास किया और ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन भी किया। परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कल शाम मोहन भागवत ने ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती कर पूजा अर्चना की। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच गीता सरोवर विषय पर ध्वनि और प्रकाश शो का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और इस कार्यक्रम की सराहना की। और अच्छा लग रहा है और ये सारा जो है शिल्प कला ये जो भी है सारा चारों तरफ मेला देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी चीज है जो किया गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया, बहुत अच्छा किया गया है। इससे पहले हमारी जो गीता जयंती हुई थी उससे ज़्यादा अच्छा भव्य और अच्छा आयोजन किया गया। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा भी अगले बार इससे अच्छा गीता जयंती हो। करनाल में आज विराट गीता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने इसका शुभारंभ किया। महोत्सव में 51,000 लोगों ने गीता के सभी अध्यायों के 18 श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित संत समाज के लोग मौजूद रहे। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने इस मौके पर कहा कि गीता जीवन का सार है। क्षेत्र में थे जो गीता की जन्मभूमि है। गीता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का प्रारंभ कर देता वो उद्घाटन दिवस था। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहां पर उपस्थित थे। पूरा आयोजन देखते बनता था, लेकिन जब मैं उसको याद करता हूं और इस आयोजन को देखता हूं आयोजन भी मुझे किसी दृष्टि से कम नहीं दिखता। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि गीता वो धार्मिक ग्रंथ है जिसने समाज, देश और विश्व को एक नया रास्ता और नई उम्मीद दिखाई। उन्होंने कहा कि विराट गीता प्रेरणा महोत्सव के माध्यम से गीता का संदेश हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को पराजित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने को कहा। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में किसानों से यूरिया की खपत कम करने को कहा। आज संविधान दिवस है। राष्ट्रपति ने कहा संविधान को जन सामान्य के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने जींद में और जाट नेता यशपाल मलिक ने जसिया में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। और राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने करनाल में गीता प्रेरणा महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें 51,000 लोगों ने गीता के 18 श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।